हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैराडाइज बर्ड्स इंफॉर्मेशन ऑफिशियल और मैं अदील हैदर। जिस तरह से आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं, तो भाई इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भाई ये येलो रिंग नेक का मेल आ गया है हमारे पास, सलाम करता हुआ। ये कंठी निकल रही है इसकी, सलाम करता है, हाथ पे बैठते बैठ जाता है, सर पे थोड़ा सा हाथ फेरने में करता है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, अम्मी जान का बेटा हूँ, मिट्टू बेटा, मियाँ मिट्टू। वीडियो भी इसकी मौजूद है और नंबर जो है मेरा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लेके आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये रिंग नेक बोलने वाले माशाल्लाह से मेरे पास 5 से 6 दाने पड़े हुए हैं, रॉ पड़े हुए हैं, तो जिसको भी चाहिए मुझसे रब्ता कर सकता है। तो चले अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि भाई रिंग नेक जो है, मतलब यानी कि किस एज में ब्रीड करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का सवाल होता है कि अदील भाई हमारा जो मेल है वो 6 साल का है और फीमेल 2 साल की है, तो क्या वो जोड़ा लग जाएगा, क्या ये छोटे बड़े होते हैं तो क्या लड़ते हैं। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो मैंने वीडियो बनाई थी वो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं कि रिंग नेक की एक कंप्लीट वीडियो, अब मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है रॉ की कंप्लीट वीडियो, येलो रिंग नेक की कंप्लीट वीडियो, हर पैरेट की मैं एज और उसका सारा वो बताता हूँ। लेकिन काफ़ी सवाल आ रहे थे तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कोई मसला नहीं होता, ये पैरेट जो है रॉ हो गया या रिंग नेक हो गया, 2 साल में एडल्ट हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, सही है। उसके बाद चाहे मेल 10 साल का हो, फीमेल 2 साल की हो, सही है, या मेल 2 साल का हो, फीमेल 10 साल की हो, जब भी जोड़ा लग जाता है। लेकिन रिंग नेक में एक इशू आता है कि फीमेल जो है वो मेल को जान से मार देती है। उसकी वजह यह है कि जंगल में भी आप देखते होंगे जो खूबसूरत मेल होता है, ये अपने घोंसले बनाते हैं, हर बर्ड्स जो है अपना घोंसला बनाता है, मेल ज़्यादातर बनाते हैं घोंसला, फिर वहाँ इंतज़ार करते हैं कि फ़ीमेल आए, तो उनको कुदरती पता होता है कि इससे जो है हेल्दी बच्चे पैदा होंगे, ये मेल सही है, ये फर्टाइल मेल है या नहीं है, इनको कुदरती पता होता है। अच्छा, अक्सर रिंग नेक में शिकायत आई है कि अदील भाई नहीं लड़ो, नहीं लड़ो भाई, नहीं लड़ो, इधर आ जाओ, अबे भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। रिंग नेक में अक्सर शिकायत आई है कि 2 दफ़ा ब्रीड करी है फीमेल ने, 3 दफ़ा ब्रीड करी है, 3 साल से ब्रीड कर रही थी 4 साल से, और मेल को मार दिया। वजह ये होती है कि जाहिर सी बात है हमें नहीं पता कि इनको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, मतलब हमें नहीं आप लोगों को नहीं पता कि इनको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि गलती करते हैं कि अगर वो सनफ्लावर ज़्यादा खाता है तो फिर सनफ्लावर ही डालने लगते हैं, अगर मूँगफली ज़्यादा खाता है मूँगफली डालने लगते हैं। देखिए दाने में हर चीज़ मिक्स होनी चाहिए इनके, सही है, क्योंकि जब इसकी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ये ढूंढेगा। अब जाहिर सी बात है केज में कह दे तो वो तो नहीं ढूंढ सकता, बाहर है तो उसको पता है कि मुझे क्या खाना है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर मौसम का फल बर्ड्स को देना चाहिए, हर मौसम की सब्ज़ी इसको देनी चाहिए, सही है। अभी जैसे देखें ककड़ी है, अभी ओले आ जाएंगे या दूसरे चीज़ें सिंघाड़े वगैरह आ जाएंगे, ये इनको देने चाहिए, सही है, उससे जो भी इनकी बॉडी में कमी हो रही होती है वो पूरी होती है। फीमेल जब भी मेल पे अटैकिंग मूड में हो तो कोई मसला नहीं है, वो उसको पीछे भगा रही है, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर फीमेल ने मेल को इस जगह से पकड़ना शुरू कर दिया तो मेल को फौरन अलग कर दे, ये इस चीज़ का साइन होता है कि फीमेल मेल को जान से मार देगी, सही है, फिर फीमेल जो है इसको बर्दाश्त नहीं करती है, सही है। एक सवाल और आ रहा था, इसी में ले लेते हैं, रिंग नेक के जो चिक्स हैं दिल भाई हमने लेट उठाए तो वो जंगली हो गए, तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई थी कि भाई रिंग नेक का जो बच्चा है 15 दिन का या महीने का, हैंड फीट पे आप उसको उठा लें, उसकी आंखें खुल जाएंगी, वो माँ बाप को देखेगा, फिर उसके अंदर डर खौफ आ जाता है। पिछले साल जो एक हमारी सब्सक्राइबर जा रही थी उम्रे पे तो वो जोड़ा छोड़ गई थी, उन्होंने कहा था अदील भाई इसको हैंड फीडिंग करा लीजिएगा, बच्चा इसका बड़ा हो जाए, मैंने कहा मैं हैंड फीडिंग नहीं कराऊंगा, बच्चा उसका जंगली हो गया, मतलब 2 महीने का बच्चा था, 2.5 महीने का वो काटने लगा था, 2-2.5 महीने का बच्चा कितना सा होता है, लेकिन जो पेरेंट्स के नीचे बच्चा होता है उसका साइज 3-4 महीने के बच्चे जितना होता है, इतना साइज हो जाता है, सही है, क्योंकि माँ बाप उसे फीड करा रहे होते हैं, जो हम आर्टिफिशियल तरीके से फीड कराते हैं उसमें ग्रो थोड़ा सा हल्के करता है, सही है। तो बच्चों को भी आप 15 दिन का या 20 दिन का उठा लीजिए, सही है, या 1 महीने का उठा लीजिए, इनफ, 1 महीने में आंखें खुलती हैं इनकी, सही है। और जब भी मादा अटैकिंग मूड में हो तो आपने जो है वो बहुत ज़्यादा अटैकिंग मूड में हो, पकड़ के काट रही है, नर को नर इधर से उधर भाग रहा है, तो उसको अलग कर दें, नहीं तो वो उसको जान से मार देगी। भाई यही थी, ये तो 2-3 चीज़ें थी
जो मैंने आपको इस वीडियो में ज़रूर लाजमी बतानी थी। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि भाई रिंग नेक की जो है मुझे हमें हमें बताएं, हमारी नेल छोटा है, किसी में भी रिंग नेक में भी ले लें या किसी परिंदे में भी ले लें, सही है। रॉ हो गया और अपना जो एग्जॉटिक है, कुछ 5 साल में जवान होते हैं, कुछ 2 साल में होते हैं। एग्जॉटिक में जो बड़े हैं वो 5 साल में जवान होते हैं, ग्रे पैरेट से ऊपर जितने भी आ गए। बाकी जो स्पीशीज़ हैं जैसे कि सन कन्योर है, जोंडाया कन्योर है और मून पैरेट है, ये 2-2 साल में जो है ये तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको जो है आप कितना भी बड़ा हो, 2 साल से बड़ी 10 साल की मादा है या 10 साल का नर है, मादा छोटी है नर बड़ा है, डजंट मैटर। हाँ, मैटर कहाँ पे करता है, मिसाल के तौर पे 2 साल का नर है, 6 महीने की मादा लगा दी तो वो 6 महीने की मादा उसके साथ क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। 2 साल एज लाजमी होनी चाहिए, भले नर की बड़ी हो भले मादा की छोटी हो, लेकिन ब्रीडिंग के लिए 2 साल मिनिमम एज है, सही है। बाकी बड़ी तो आप कितनी भी बड़ी हो। अब वो लोग कहते हैं मुझे अक्सर कमेंट्स करके कि हमें फर्स्ट ब्रीड का जोड़ा चाहिए। देखिए, फर्स्ट ब्रीड का जोड़ा ढूंढा जाता है जिन पैरेट की एज कम होती है, जैसे कि आपका छोटे बर्ड हैं कॉकटेल से नीचे आ जाए, इनकी एज कम होती है, 4 साल 5 साल, इन पे 6 साल, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं किसी बीमारी के तहत या कुछ भी मसला हो जाता है इनकी। तो इन छोटे बर्ड्स की जो एज है वो तकरीबन 30 से 40 साल, इनकी 50 साल, और ग्रे पैरेट तो अपना अल्लाह भला करे 80 साल तक होता है, ठीक है। तो बस ये आपको बताना था, और जिन लोगों को पैरेट्स चाहिए हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, सही, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास अभी जो है रिंग नेक वगैरह पड़े हुए हैं, ग्रे के बहुत अच्छे टॉकिंग वाले दाने पड़े हुए हैं, सलाम करते हुए इस्लामिक वर्डिंग वाले, अनलिमिटेड वर्डिंग वाले मकाओ मिल जाएंगे, अभी यहाँ नहीं है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आपको जो पैरेट चाहिए होगा अरेंज करा देंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए हमें और हमारे प्यारे प्यारे से बर्ड्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।